आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब निसार तांबुली सर, इनके बारे में मैं थोड़ा उनके बायोडाटा जो है उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा और फिर नूर सलमान के एस्पेक्ट से भी थोड़ी बात करूंगा मैं। सर निसार सर बेसिकली लातूर से बिलोंग करते हैं। इनका जो स्कूलिंग हुआ है ये सैनिक स्कूल सातारा से हुआ है। सर ने एग्रीकल्चर से अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है परभनी से, और सबसे अहम बात ये है कि ही वॉज गोल्ड मेडलिस्ट बोथ ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद सर का जो एम था कि ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द एडमिनिस्ट्रेशन, सर का पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हुआ। मेजॉरिटी सर की जो सर्विस है ये मुंबई में हुई है, हिंगोली परभनी लातूर इस जगह भी सर ने एज एन से ऑफिसर एसपी एज एन ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर सर ने वहाँ पे सर्विस की है। औरंगाबाद में भी सर थे, यहाँ पे जो स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स जो है वहाँ पे कमांडेंट थे सर। और एक इम्पॉर्टेंट जो बात है सर के बारे में कि 2017 में इंडिपेंडेंस डे के दिन सर को प्रेसिडेंट मेडल से नवाजा गया बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सर्विस। और फिलहाल सर मुंबई में एक अहम पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं पिछले एक साल से। तो एक लॉन्ग तजुर्बा है सर के पास पुलिस सर्विस का, एक एडमिनिस्ट्रेशन का, पिछले 20-25 सालों से सर सर्विस में है। और एक साइड में सर हैं निसार सर हैं और दूसरे साइड में सलमान और नू है कि जो जस्ट दे आर स्टार्टिंग देयर करियर इन एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसके बारे में आप जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वो आपके बारे शेयर करेंगे। लेकिन एक बात है सलमान और नू के बारे में, आप इनकी जो जर्नी है फ्रॉम फर्स्ट डे टू द सिलेक्शन, मुझे लगता है मैं उसका एक आम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ उसका, क्योंकि इनकी जो जर्नी है फिर औरंगाबाद में हो या फिर दिल्ली में हो, जो कुछ भी इनके अटेम्प्ट्स थे उसके बारे में जो कुछ भी डिफ़िकल्टीज थी एक्सेट्रा, हमने उस पर वर्कआउट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो इनकी मेहनत थी जो इनकी कंसिस्टेंसी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें वो आखिर रंग लाई और इन्होंने सिलेक्शन किया, इनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसके बाद से मुझे लगता है ऑन 27 अप्रैल द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर, इज इट यस 27 अप्रैल से एक लाइफ में इनके चेंज आ गया। अब जो चेंज आ गया इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज जो इन्होंने अपने लाइफ में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं इनको जब भी कॉल करता तो ये किसी प्रोग्राम में होते, कभी दिल्ली कभी बेंगलोर कभी चेन्नई कभी नागपुर, तो पहले इनका भारत दर्शन का प्रोग्राम हो गया मसूरी को जाने से पहले। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक पोस्ट मिलने के बाद ये जो कुछ भी चेंजेस आए, मैं चाहता हूँ कि ये चेंजेस आप भी जान लें, क्योंकि ये सिलेक्शन होने के बाद से आज मुझे लगता है कि बहुत 2 या 3 महीने गुजर गए। कॉन्स्टेंटली नू और सलमान अलग अलग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इनका इस्तकबाल हुआ है, दे आर बीन सीन एज अ रोल मॉडल। तो एक एग्ज़ाम करने के बाद अगर इतनी इज्जत मिलती है, इतनी पोजीशन मिलती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी, दे हैव एन आइडेंटिटी, जैसे हर एक शहर में जैसे हम देखते हैं कि देर इज़ वन CP, देर इज़ वन कलेक्टर। अब औरंगाबाद का हम लेते हैं तो 30 लाख पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, बट वी हैव वन कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड वन कलेक्टर, दे हैव सम आइडेंटिटी फॉर देम सेल्फ। UPSC आपको वो आइडेंटिटी देता है और नूर सलमान ने औरंगाबाद में वो खुद के लिए एक आइडेंटिटी हासिल की है, दे हैव क्रैक्ड सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड नाउ दे आर अ रोल मॉडल। तो ये जो कुछ इनकी जर्नी है, ये जर्नी के बारे में इंशाल्लाह ये आपसे बात करेंगे। और इसके बाद जो कुछ भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद या उसके चैलेंजेस एक्सेट्रा, निसार तांबुली साहब भी इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि नू और सलमान जो कुछ भी बात करें, यहां पे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं एक्सेट्रा, दे शुड लिसन टू इट सीरियसली एंड ऑल्सो ट्राई टू ड्रीम अबाउट दोज थिंग्स इन योर लाइफ बट विद अ डिटर्मिनेशन, अ डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। अगर ये 3 आप में है और आप कुछ गोल आपके सामने रखते हैं
तो इंशाल्लाह आने वाले साल में आप भी एक अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे और एक कौम के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे। थैंक यू।